हाय, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत शानदार है। आज का टॉपिक हर ट्रेडर को बहुत अच्छे समझना चाहिए, हर ट्रेडर को बहुत अच्छे सुनना चाहिए, लिख करके इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। और ये इन्वेस्टर के लिए भी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए भी है। इन्वेस्टर को भी इस चीज से बच के रहना चाहिए। अगर आज आपने वीडियो देखकर और इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लेके इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको सक्सेसफुल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं ओवर ट्रेडिंग के बारे में। ओवर ट्रेडिंग, आपने ओवर थिंकिंग का नाम सुना होगा। आज हम बात करेंगे ओवर ट्रेडिंग के बारे में। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है? ओवर ट्रेडिंग का समझ में आ गया होगा, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लोग ट्रेडर हैं, सुबह से शाम तक ट्रेडिंग करते हैं, उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई होगी कि ओवर ट्रेडिंग होती क्या है। वो दिल ही दिल में बोल रहे होंगे, काश हमने ओवर ट्रेडिंग ना की होती तो आज हम सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं। ये आपकी गलती नहीं है। पहले तो मैं बता दूं, हर कोई ओवर ट्रेडिंग करता है अपनी स्टार्टिंग में। हर कोई ओवर ट्रेडिंग होती क्या है? ओवर ट्रेडिंग ये होती है कि मैंने एक पोजिशन बनाई, मैंने उसको प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के बाद मेरा जो कॉर्पस था, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, वो 1 लाख के करीब था। मुझे प्रॉफिट 10,000 का आ चुका है, लेकिन मैं बुक करने के बाद तभी इनिशियल स्टेप लेता हूं, मैं दूसरी पोजीशन बना देता हूं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने कॉल बाय किया, मार्केट मेरे फेवर में गया, मुझे प्रॉफिट हुआ 10,000 का, मैंने बुक किया और मुझे ऐसा लगने लगा चार्ट देखकर कि ये कैंडल बन रही है, निगेटिव क्लोज होगी, तो मैं पुट ले लूंगा। वहां पर मैंने पुट ले ली, मार्केट नहीं रुका, वहां पर जो 10,000 का प्रॉफिट था वो प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया 20,000 के लॉस में। अब मैं थोड़ी देर टहलता रहा, घूमता रहा, उसके बाद आके फिर बैठा, फिर मैंने ट्रेड लिया। इस बार मैंने फिर कॉल लिया, जब कॉल लिया तो वो टॉप पर लिया क्योंकि वहां मुझे ब्रेकआउट दिखाई दे रहा था। ब्रेकआउट, सारे टीवी चैनल, सारे एनालिस्ट आपको बार बार बोलते हैं इस स्टॉक में ब्रेकआउट है, निफ्टी में ब्रेकआउट है, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट है। जब भी ये सुनाई दे आपको हर जगह से कि ब्रेकआउट हो चुका है इस स्टॉक में या निफ्टी में, पोजीशन मत बनाइए उस डायरेक्शन में। पोजीशन मत बनाइए उस डायरेक्शन में जहां पर टीवी पे बैठे हुए एनालिस्ट बोल रहे हैं कि ब्रेकआउट आ चुका है इस स्टॉक में। मत बनाइए पोजीशन, आप 99% केसेस में लॉस करेंगे। उसका रीजन मैं बताता हूं। एक साइकोलॉजी चलती है मार्केट में कि ब्रेकआउट पे हर कोई खरीदना पसंद करता है, ब्रेकडाउन पे हर कोई बेचना पसंद करता है। मार्केट उसको फेवर नहीं करती है। जो एक कॉमन सोच होती है, मार्केट कभी भी उसको फेवर नहीं करती है, कॉमन सोच को खत्म करती है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब LIC का IPO आया तो बच्चे को पता था, एक सैलून मास्टर को पता था कि LIC का IPO आ रहा है, रक्षा चलाने वाले को पता था LIC का IPO आ रहा है। क्या मिला उसमें? किसी को कुछ नहीं मिला। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज ही माइंडसेट बनाइए, या तो कंपनी इतनी अच्छी हो कि उसके शेयर ही अलाउट ना हो, अलाउटमेंट किसी को मिले ही नहीं। अगर मिले हैं, जैसे LIC थी, फंसा दिया सबको, बढ़िया वाला। हर कोई चलता फिरता बात करता था, बसों में बात होती थी, ट्रेन में बात होती थी, कार में बात होती, हर जगह आप किसी से मिले थर्ड पर्सन से, अरे LIC का IPO आ रहा है उसमें पैसे लगाने, LIC का IPO आ रहा है इसमें पैसे लगाने, लगाओ ना, फंसे ना आप सब लोग, रेट मिल जाए वही गनीमत है। कॉमन सोच को मार्केट हमेशा खत्म करती है, ये याद रखना। अभी गार्ड बांध लीजिए। ओवर ट्रेडिंग मैं बता रहा हूं, ओवर ट्रेडिंग पे बात कर रहा हूं। ओवर ट्रेडिंग जितनी जल्दी बंद कर दोगे आप, उतना सक्सेस के करीब पहुंच जाओगे। ओवर ट्रेडिंग होती है, आपने एक ट्रेड लिया, एक से निकले, दूसरे ट्रेड में घुस गए, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, आप पूरे दिन ये करते रहे, सुबह प्रॉफिट में होंगे, शाम होते होते 3:30 बजते बजते आप घर से भी देके जाते हो, और 3:30 बजे से पहले हर किसी के दिमाग में एक कीड़ा दौड़ने लगता है कि कल को गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। उस फेवर में आप पोजीशन बनाते हो तो बचा कुचा जो अमाउंट होता है वो अगले दिन ओपनिंग पर खत्म हो जाता है, क्योंकि इस केस में 99% केस में पोजीशन आपके अपोजिट ही ओपन होती है हमेशा की हमेशा। ये कभी नहीं हुआ कि आपके फेवर में ओपन हो। आप देख लीजिए, पास अपने एक्सपीरियंस निकाल के देख लीजिए, आपको यही मिलेगा कि हाँ, पोजीशन हमारे अपोजिट ही ओपन होती है, क्योंकि वो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, वो हम कैलकुलेशन नहीं करते। मार्केट जिस डायरेक्शन में बंद हो रही होती है, हम उस डायरेक्शन में पोजीशन बना लेते हैं। इन चीजों को हमें अभी स्टॉप लगाना होगा, फुल स्टॉप लगा दीजिए अभी के अभी। ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, वेट कीजिए, चाहे आपको 15 दिन वेट करना पड़े, 20 दिन ट्रेड वेट करना पड़े। सिंपल सी बात बता रहा हूं, आप डेली ट्रेड कर करके अगर 2,000-2,000 रुपए कमा रहे हैं, 2,000-2,000 रुपए कमा रहे हैं, अगर वही आपको 15 दिन में एक ट्रेड आपके फेवर में मिल जाए और आपका अमाउंट ही डबल हो जाए, तो क्या बुरा है उसमें? वो हो सकता है,
बन सकता है, क्योंकि मार्केट एक जगह कभी नहीं रुकता है। अगर मार्केट एक जगह रुक रहा है इसका मतलब राइटिंग हो रही है, राइटर पैसा कमा रहा है, उसका टाइम चल रहा है और ये टाइम के हिसाब से चलता है। वीक डेज होते हैं बहुत सारे जहां पे राइटिंग में राइटिंग फेवर में होती है, ये मैं आपको आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ओवर ट्रेडिंग के लिए मैं बता चुका हूं, मत इधर से कूदिए उधर से कूदिए, इधर से जाइए उधर से जाइए, मत करिए ये ओवर ट्रेडिंग, स्टॉप कीजिए। जितनी जल्दी स्टॉप करेंगे उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो गाइज मेरी बातों को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बेसिक है, हर ट्रेडर के साथ में ये इशू है। मैं अभी प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, मैं खुशी खुशी में दूसरा ट्रेड सोचता हूं कि यार मैं दूसरा ट्रेड लूं, और अगर एज ए मैं स्टार्टिंग में वो ट्रेडर हूं तो अवॉइड कीजिए ओवर ट्रेडिंग को। प्लीज फोकस रहिए कि आपको एक ही ट्रेड लेना है, चाहे 15 डेज में लेना है, लेकिन एक ट्रेड लेना है, आपको प्रॉफिट निकालना है। और राइटिंग में अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, लेकिन बायर के फेवर में मार्केट हमेशा नहीं रहती है, वो 3 से 4 दिन होते हैं, महीने के 4 से 5 दिन होते हैं जो फेवर में होते हैं। तो मिलूंगा मैं आपसे नई वीडियो में जो आपकी नॉलेज को और कॉन्फिडेंस को एनहांस करेगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।